पति पत्नी की अनबन में ससुरालियों ने दामाद को लोहे की रॉड से वार कर उतारा मौत के घाट। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। रामपुर में ससुरालियों ने अनबन होने की वजह से दामाद को लोहे की रॉड से वार कर उतारा मौत के घाट। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा किया दर्ज, जांच शुरू की। मामला स्वार क्षेत्र के थाना मिलक खानम का है। चंद रोज पहले रंजीत निवासी अपलगढ़ थाना टांडा, जो कि उसकी शादी एक साल पूर्व गज्जूपुर में हुई थी, रंजीत अपनी पत्नी को बुलाने के लिए ससुराल गया था। ससुराल वालों ने रंजीत से कुछ कहा सुनी हो गई, इसी मामले को लेकर वहां पर झगड़ा तूल पकड़ गया और रंजीत के ससुराल वालों ने एक राय जुट होकर रंजीत को मारना पीटना शुरू कर दिया, जिसके चलते रंजीत के सर पर लोहे की रॉड से वार कर दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। रंजीत के परिवार वालों में कोहराम मचा है। रंजीत के परिजन थाना मिलक खानम में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी। क्या नाम है तुम्हारा? दीपक सिंह। कहाँ रहते हैं? अपलगढ़। आप कौन है लड़के के भाई? भाई कैसे कैसे मामला हुआ, ये क्या हुआ? जी इसकी बीवी ने इसके द्वारा फोन करा होगा कि मेरे को बुलाने आ जाओ, ये घर से मम्मी से क्या क्या चला गया कि मैं बुलाने के लिए जा रहा हूँ। और जैसे वहाँ पर पहुँचा अपनी ससुराल, कौन सी गाँव? गजीपुरा। जैसे ही अपनी ससुराल पहुँचा गजीपुरा, तो इसकी बीवी ने इसकी कोरिया भर ली। उसके बाद इसके चाचा हैं कमल, उन्होंने पीछे रोड मार दी। यहाँ पे इसकी रीढ़ की हड्डी वाली टूट गई। उसके बाद मुझे बेहोश हो गया वहाँ पे। उसके बाद इन्होंने हमारे घर पर फोन करा क्या, इसकी घरवाली ने फ़ोन करा क्या, ये रंजीत मर गया, इसको उठा के ले जाओ। अच्छा। उसके बाद ये हमारे घर से गए वहाँ पे, देखा कितने साल पहले हुई थी शादी लड़के की? अभी 11 महीने हुए होंगे। जब ये यहाँ से हमारे घर से पहुँचे वहाँ पे गाड़ी लेके, तो इसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी, यानी कि तो इसे ना ही ये खड़ा हो रहा था, ना ही ये उठ रहा था, ना ही बैठ रहा था, बिल्कुल लाऊं झाऊं था ये पहले। अब आपका मुकदमा दर्ज कर लिया है पुलिस ने? नहीं, अभी कार्रवाई चल रही है, अभी हुआ नहीं है, पूरा कार्रवाई चल रही है, थाने में चल रही कार्रवाई। हाँ जी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा सुरेश नाम है। कहाँ रहते हैं आप? मैं अपलगढ़ रहता हूँ। थाना मिलक खानम आए हैं, क्या मामला है? हम मिलक खानम आए सर, यहाँ पे तहरीर दिखलाने आए हैं। क्या दिखलाना है, क्या मामला हुआ सर? मेरे भाई को जान से मार दिया। किसने? उसकी घरवाली है, उसका चाचा है और उसका ससुर। कहाँ मार दिया? मारा पीटा था, धारदार उसको रोड से बाहर करा। उसको क्या करना आया था? वो ससुराल भाई भी बुलाना आया था सर, वो जो है उसको अपनी घरवाली को बुलाना आया। कब आया था ये? आया था 21 तारीख को, कम से कम 12 बजे यहाँ। मामला क्या तरीका है? क्या चीज़ ये मामला क्या तरीका है जो लड़का मारा? ये 21 तारीख का, 21 तारीख का ही है जी। तो आप कैसे कैसे आप आज थाने आए हैं? आप जी जी, क्या मुकदमा लिखा आपका? सर मुकदमा की कार्रवाई अब चालू हो रही है, चालू मतलब चल रही है इस टाइम प्रक्रिया। क्या चाहते हैं? बस हम तो इंसाफ चाहते हैं। मिलक खानम क्षेत्र में उसकी ससुराल, जैसा जानकारी हुई है कि उसका उसकी पत्नी के बीच अनबन थी, पत्नी मायके आई हुई थी, ये भी मायके एक तरह से अपनी ससुराल आया, जहाँ ससुरालियों से इसका कोई विवाद हुआ, जिसमें उसको इन्होंने इस तरह से इंजर्ड कर दिया कि उसका स्थानीय अस्पताल में इलाज के बाद उन्होंने हायर सेंटर रिफ़र कर दिया और फिर हायर सेंटर में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। वहाँ से पोस्टमार्टम करा करके उसके परिजनों ने आज तहरीर दी थी, जिसके आधार पर थाना मिलक खानम में मुकदमा लिख लिया गया है। विवेचना और गिरफ्तारी की कार्यवाही अतिशीघ्र पूरी कर ली जाएगी।